शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। मैं अच्छा हूँ। अक्षय कहाँ है? उसे मैंने नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी अकेले में। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ। शाना, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, या वो भी मुझे इग्नोर करने का कोई बहाना था तुम्हारा? और मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है। मेरे फोन कॉल क्यों नहीं लिए जा रहे? एनीवेज, इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस। हमारे बीच में जो कुछ भी है या जो कुछ भी था, समझ लो आज से सब खत्म। गुड बाय। अरे अक्षय, अक्षय! आदित्य, उसे जाने दो। तुमने उसे झूठ बोला? तुमने उसका फोन क्यों नहीं उठाया? मैं उसका फोन कैसे उठा सकती हूँ आदित्य, जबकि मैं उसे प्यार ही नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये इसमें डाल दो और इसको अच्छी तरह मिक्स करना। जानती हो, रोहित को ये बहुत पसंद है।
क्या हुआ बेटा? वो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। किचन में तो गर्मी लगेगी। और तुमने ये साड़ी वाड़ी क्यों पहन के रखी है? सलवार कमीज पहन लिया करना, कंफर्टेबल फील करोगी। तुम भी तो हमारे रिया जैसी तो। खुशी ये क्या बन रहा है माँ? खीर बना रही है खुशी तुम्हारे लिए। मैं सिखा रही हूँ उसे। सिखा रहे हो आप? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? आप कुछ भी कर लो, खुशी को कुछ बनाना तो आएगा नहीं, है ना खुशी? रोहित। और दूसरी बात, जो मर्जी हो जाए खाना तो मैं आपके हाथ का खाऊंगा। जब खुशी के हाथ का बना हुआ खाना खाने की आदत हो जाएगी ना, तो मम्मी को पूछेगा भी नहीं। ऐसा कभी हो सकता माँ? क्यों खुशी, ऐसा कभी हो सकता नहीं ना। अच्छा माँ, वो ड्राई फ्रूट तो अपनी बहू को खिला बेचारी। हाँ हाँ हाँ, खिला दूंगी। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है तू? मैं वो बहू और सास को एक साथ काम करते देख रहा हूँ। अच्छा काम और क्यों हो सकता? नहीं हो सकता। खुशी तरह इसे पकड़ तो सही। दोनों हाथों से पकड़ो, गिर जाए। हाँ हाँ, रहने दो। वो कितनी देर लगेगी तुम्हें? वो अभी 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट? देखो माँ, 10 मिनट और लगेंगे। देखो गोवा जाना है, तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूँ। क्या नहीं 10 मिनट और लगेंगे, मैं क्या करूँ? खुशी खुशी बेटा, तुम जाओ। जब से तुम आई हो ना, ये पागल हो गया है बिल्कुल। तुम जाओ, गोवा जाने की तैयारी करो। ये खाना वाना तो कभी भी सिखाऊंगी मैं। जाओ जाके। खुशी इतनी देर, तुम्हें नीचे से लाने का फायदा क्या अगर तुम बाथरूम में 1 घंटा लगा दो तो? अब तुम करके चलो, जो भी कर रही हो पर आओ तो सही। चेंज करो बाबा, आ रही हूं। अमित, व्हाट इज दिस यार? नो, आ गई। कैसी लगी उन्हें? अरे वाह, माँ ने एक बार कहा चेंज कर लो तो चेंज कर लिया। वाह, यू आर लुकिंग ओके। माँ ने एक बार कहा तुम सूट पहन के आ जाओ तो तुम सूट पहन के आ गए। रोहित, तुम तो मामा के सामने शुरू हो गए थे। सामने कहा? मैंने तो हाथ पीछे से पकड़ा था ना ऐसे। लेकिन अगर मामा को शक हो जाता तो? माँ को तो शक हुआ था। माँ को तो शक हो गए ना। वो क्या है ना कि माँ माँ होती है और बच्चे बच्चे होते हैं, और इसलिए माँ को बच्चों के बारे में सब पता होता है। तभी तो माँ ने कहा जाओ, तुम चले जाओ अंदर, नीचे जाओ कमरे में। और वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई है, बाय चांस मेरा दिल करता कि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ी प्यार भरी बातें करता, थोड़ी इमोशनल बातें करता, थोड़ी सेंटिमेंटल बातें करता, है ना? थोड़ा एक्शन, थोड़ा रोमांस, थोड़ा थ्रिल। और अगर मेरा दिल कर जाता कि मैं तुम्हें हक करूं, तो फिर कैसे करता? रोहित भैया, आपकी रिया, कम से कम अंदर आने से पहले नॉक तो कर दिया होता। I'm sorry, गलती हो गई। पर मैं एक्चुअली क्या करती, फात ही इतनी एक्साइटिंग है। चलिए आप दोनों भी नीचे चलिए, चलिए। Come on, let's go. तुम दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर सकते थे। अगली बार कर दूंगा बेटा। रोहित बेटा, डैड आ गया। मैं बेटा तुम्हारे लिए इंटरव्यू लेटर आया है उसी क्रिएटिव क्रिएशन से। तू इसी कंपनी में जॉब करना चाहता था ना? इसी कंपनी में डैड। भाई रक्षा, तुम्हारी बहू तो हमारे रोहित के लिए अच्छी किस्मत बनकर आई है। और नहीं तो क्या, खुशी नाम है उसका, खुशियां लेकर आई है। आप देखते रहना, ये जॉब मेरे रोहित को ही मिलने वाली है। एग्जैक्टली। माँ मुंह मीठा तो कराओ। हाँ हाँ, एक मिनट, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। परी बेटा, बेटा मैं ही अभय हूँ, अभय पराशर। नमस्ते बेटा, तुम्हारा रिश्ता हमारे घर में आया है। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने आपको पहचाना कैसे? तुम्हारी शक्ल हूबहू अपनी माँ जैसी है बेटा, वही चेहरा, वही रूप, वही संस्कार।
I'm sorry, बेटा, कि आपको इस तरह यहाँ पे बुलाना पड़ा। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। Please come with me. Come. देखो बेटा, मेरी कामे की हालत देखो। जब से तुम्हारे घर से वापस आई है, बस ऐसी है। तुम्हारे घर पे इसने तुम्हें देखा, तो कामे को लगा कि उसके सामने रानी खड़ी है, तुम्हारी माँ। बस तब से अपने आप को दोषी मानने लगी है बेटा। कि एक ना एक दिन जरूर आता है जब इंसान अपने अपराध भाव के नीचे दबने लगता है। देखो बेटा, अगर तुम हमारी बहू बनकर आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी हमें। प्लीज बेटा, बस एक बार। अगर हमें माफी नहीं मिली तो हम दोनों जी नहीं पाएंगे और इसी पश्चाताप में मर जाएंगे हम दोनों। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, बस एक बार माफी दिलवा दो। प्लीज बेटा, बस ये कार पर कर दो, जस्ट वंस। प्लीज बेटा, जो कहने आई है कह दे। तानी मां, प्लीज नाराज मत होइएगा। आप भगवान जी के सामने मुझसे पूछ रही हैं, इसलिए मैं भी भगवान जी के सामने साफ साफ जवाब दूंगी। अगर मेरी शादी होगी तो वही होगी। बस, अब हम तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते। दादी, मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन दादू, मैं ये रिश्ता करना चाहती हूँ। तानी माँ, आपने तो मुझे समझाया ना कि अगर कोई गलती का प्रायश्चित करना चाहे तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन परे, तू हमारी बात समझते क्यों नहीं? ये उन लोगों में से नहीं है। प्रायश्चित की आड़ में ये लोग धोखा देते हैं और हम उन्हें एक बार आजमा चुके हैं। समझाइए ना इसे भाई साहब। अरे बेटा, रानी और प्रिंस की शादी के बाद कामिया ने अच्छाई का नकाब ओढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और इतने दुख दिए बेटा कि कोई दुश्मन को भी ना दे इतने दुख। क्या समझती है कि हम लोगों ने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? दुनिया जहान के लड़कों को छोड़कर ये एक ही रिश्ता रह गया तेरे लिए? आपकी परी के लिए कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं तानी माँ। परी? तानी माँ, अगर मुझ में कोई कमजोरी है तो है, उसे भागने से या छुपाने से क्या फायदा दादू? आप बताइए तानी माँ, कितने रिश्ते आए मेरे लिए, क्या हुआ?
हर बार दादू खुश हुए, लेकिन लड़के वालों ने क्या किया? उनसे मिलते ही रिश्ते के लिए मना कर दिया ना। लेकिन इस बार नहीं होगा दादू, इस बार लड़के वाले खुद आए हैं और दादू इसी में मेरी भी खुशी है। अगर आप दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो तानिमा। बस अब मैं तेरी बकवास और नहीं सुनना चाहती, बस कर। तानिमा, तानिमा, मैं जानती हूँ कि आपके लिए फैसला करना आसान नहीं बस है। तो फिर तानिमा एक काम करते हैं, क्यों ना हम ये मुश्किल का फैसला राम जी पर छोड़ दें। माँ की तरह माँ भी तो ये किया करती थी ना, जब भी दो राहे पर खड़े हो तो रामायण का पन्ना खोलो और जवाब मिल जाता है, तो क्यों ना हम भी अपना सवाल लेकर राम जी के पास जाएं, रामायण का पन्ना खोलते हैं, देखते हैं राम जी क्या जवाब देते हैं। दादू बोलिए ना। चलिए चलिए नानी माँ, चलिए आइए दादू। अर्थात भगवान का नाम लेकर शुभ कार्य का प्रारंभ कीजिए, राह की मुश्किलें खुद ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा होती है उसके लिए जहर अमृत के समान, दुश्मन मित्र के समान, समुद्र गाय के खुर के समान और आग शीतल पवन के समान हो जाती है। मैं लड़के से एक बार मिलना चाहूंगी।